वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन काफी आगे है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव को देश के भविष्य को संविधान को बचाने के लिए है। संविधान बचेगा तो आरक्षण भी बचेगा। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का झूठ जितना परवान चढ़ना था चढ़ चुका है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम 2 विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई, उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धस गया इस बार, क्योंकि जिन सवालों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, बेरोजगारी क्यों है इसका जवाब बीजेपी पे नहीं है, नौजवानों के पेपर क्यों लीक हुए इसका कोई भी चाहे नेतृत्व दिल्ली का हो उत्तर प्रदेश का कोई जवाब नहीं दे रहा है। निवेश के नाम पर आपने झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो के नाम पर झूठे सपने दिखाए, G20 में आपने झूठा प्रचार किया, इन तमाम चीजों का जवाब। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया? आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, एमजी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा, बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा।